गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में देखिए, जो अपना अध्याय चार है, प्रश्नावली चार है, उसमें अध्याय चार में दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें चरों की संख्या दो है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें देखना कितने शब्द हैं। एक तो चरों की संख्या दो है, चर कितने हैं? दो। और रैखिक समीकरण यानी चर की घातांक एक, ऐसा समीकरण जहां चर की घातांक एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। तो दो चरों वाले यानी दो चर होंगे एक्स और वाई, और रैखिक समीकरण है यानी चर की घातांक एक होगी, और समीकरण युग्म दिया है इसमें, समूह होगा, दो समीकरण होंगे कम से कम। अगर ये नहीं है, इसको हटा देते हैं अपन, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण अर्थात इस स्थिति होगी। अगर इसको हटाते हैं तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, यानी इसमें एक ही समीकरण है, चर दो है x और y, x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद है इसमें c। अब अगर हम इसमें लगा देते हैं समीकरण युग्म, अर्थात युग्म का मतलब समूह है, जोड़ा, तो इसमें दो समीकरण हो जाएंगे फिर। तो इसके लिए इसको समीकरण नंबर एक नाम देंगे, और समीकरण एक का इसके लिए प्रतीक लगा देते हैं वन वन और वन। इसी प्रकार दूसरा समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू बराबर जीरो, यह समीकरण नंबर दो हो गया। पहले समीकरण में देखो दो चर हैं एक्स और वाई, दोनों में चरों की घात कितनी है? एक है चर की घातांक। ऐसे ही दूसरे समीकरण में भी दो चर हैं और दोनों में चर की घातांक है एक, अर्थात दोनों ही समीकरण कैसे हो गए? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या? जिसमें चर की घातांक एक हो। और युग्म अर्थात दो समीकरणों का युग्म जोड़ा हो गया, एक तरह से समूह हो गया। अब इस स्थिति में ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू और सी टू, इसी जगह कोई संख्याएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि चिन्ह प्लस का ही हो, माइनस का भी हो सकता है, अन्य कोई भी चिन्ह हो सकता है, प्लस या माइनस में कोई सा भी। हमें इन इस समीकरण युग्म की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि भाई ये जो समीकरण है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसके हल कैसे होंगे। तो उसके लिए हमें एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, बहुत ज़रूरी है और बहुत ही सरल है। जैसे हो सकता है ए वन और ए टू का अनुपात बी वन और बी टू के अनुपात के बराबर हो, और सी वन एवं सी टू के तीनों का अनुपात बराबर हो, ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू का अनुपात हो सकता है बराबर हो। एक स्थिति तो ये हो सकती है, एक स्थिति हो सकती है कि तीनों का अनुपात बराबर नहीं हो, ए वन बटे ए टू बराबर नहीं हो, बी वन बटे बी टू एंड डज नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू। एक स्थिति ये भी हो सकती है, एक स्थिति हो सकती है ए वन बटे ए टू इज इक्वल टू बी वन बटे बी टू एंड डज नॉट इक्वल टू सी वन बटे सी टू। एक स्थिति ये हो सकती है। अब एक स्थिति आप और सोच रहे होंगे कि भाई ये बराबर नहीं हो और ये बराबर हो, एक स्थिति ये भी हो सकती है। तो ये वाली स्थिति तो सेकंड जो स्थिति है उसकी जैसी हो जाएगी, अर्थात तीन स्थितियां बन गई। स्थिति फर्स्ट में हो सकता है तीनों का अनुपात बराबर हो, सेकंड में हो सकता है तीनों का अनुपात बराबर नहीं हो, और तीसरी स्थिति है कि एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो और अचर पदों का जो अनुपात है वो इनके बराबर नहीं हो। तो फर्स्ट जो स्थिति है इसमें समीकरण संगत होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी? संगत समीकरण आएगा। और यदि बराबर नहीं है तब भी संगत समीकरण है।
यदि तीनों का अनुपात बराबर है तो भी संगत समीकरण, और तीनों का अनुपात बराबर नहीं है तब भी संगत समीकरण। और जो थर्ड स्थिति है अपनी, जिसमें एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो और अचर पद का अनुपात इनके बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में असंगत समीकरण होगा। इसकी प्रकृति कैसी हुई? असंगत समीकरण निकाय है ये। तो कोई दो समीकरण देखकर जो पूछ लिया जाए आपसे कि भाई बताइए कि यह याद कीजिए कि इनकी प्रकृति कैसी है, कि संगत है समीकरण या असंगत है, तो दो स्थितियों में संगत आ रहा है। भाई एक स्थिति आ रही है उसमें तो असंगत है, तो ये तो क्लियर हो गई। अब इनमें दोनों स्थितियों में भाई अनुपात बराबर है तब भी संगत और बराबर नहीं है तब भी संगत। तो अब इन कैसे और आगे इसका हल जो होगा वो किस प्रकार का होगा उसके लिए, यह तो हो गई इसकी प्रकृति समीकरण की, यह तो क्या हो जाएगी, प्रकृति हो गई। अब ये समीकरणों के हल होंगे, हल भी दो प्रकार के हैं समीकरण के जो हल हैं उसमें, हम इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं समीकरण के हल। एक तो बीजीय हल और एक जो है ग्राफीय या ज्यामितीय हल। इसमें तो डायग्राम बनेगा कि भाई किस प्रकार का इसमें रेखा चित्र होगा। तो जब तीनों अनुपात बराबर हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों अनुपात बराबर हैं, तो समीकरण की प्रकृति कैसी है? संगत समीकरण होगा। और इस स्थिति में इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। और यदि अनुपात बराबर नहीं है तीनों ही, तो इसका केवल एक हल होगा, यानी जिसको अपन कह सकते हैं अद्वितीय, अपने आप में केवल एक ही अद्वितीय हल। अद्वितीय का तात्पर्य है केवल एक हल, अद्वितीय को अपन कह सकते हैं केवल एक हल। अनंत हल इस स्थिति में यानी अनेक हल, और अद्वितीय यानी केवल एक ही हल हो। और यदि A1 A2 और B1 B2 का अनुपात तो बराबर है और C1 C2 का अनुपात इससे बराबर नहीं है, तब समीकरण कैसा होगा? असंगत, और असंगत का कोई हल नहीं होगा। असंगत समीकरण के क्या हल होंगे? कोई हल नहीं इस स्थिति में। तो यह तो है बीजीय हल। अब इसका जब अपने डायग्राम बनाएंगे ग्राफ में, अभी लेंगे अपन उदाहरण और उसके डायग्राम बनाएंगे, तो जब इनके अनुपात बराबर आएंगे तो समीकरण संगत होगा और उसके अनंत हल होंगे। तब अनंत हल से तात्पर्य है जैसे ये अपन ने ग्राफ बनाया चार भागों में बनाइए, और इसमें मान लीजिए एक उसका जो है इस तरह की रेखा आई एक समीकरण के लिए, अपन ने पिछली कक्षा में किया भी था, दर्शाया था ग्राफ में, और दूसरी रेखा जैसे मान लीजिए कि ये इधर से गुजर रही है इससे कोई भी, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, अर्थात ये केवल एक हल हो रहा है, एक बिंदु पर काट रही है, तो स्थिति कैसी आ रही है? केवल एक हल। तो ये स्थिति बढ़ रही है अद्वितीय हल वाली, अर्थात इसमें रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। पहले इसको समझिए आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और यदि अनंत हल का मतलब है अनंत बिंदुओं पर काटेंगी, जैसे एक रेखा ऐसे आ गई तो दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही आएगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ही होगी, एक रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात तो कैसी होगी? समपाती रेखा हो जाएंगी। तो यहाँ अनंत बिंदुओं पर काटने का मतलब आ रही है समपाती रेखाएं। तो इसका डायग्राम जब बनेगा तो इसमें जैसे एक रेखा ये आ गई और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर ही ऐसी जैसी होगी, संपाति रेखा का तात्पर्य हो गया। और प्रतिच्छेदी रेखा में दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हुई आएगी, ये दोनों रेखाएं केवल और केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी। और जब समीकरण निकाय असंगत है तो असंगत का कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, यानी एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर रेखा होगी। तो इसको अपन कह सकते हैं समांतर रेखाएं, अर्थात ऐसा डायग्राम बनेगा, ये ज्यामितीय आकृति होगी। तो समझ रहे भाई, दो चरणों वाले रैखिक समीकरण युग्म की कैसी प्रकृति होगी, और इनके अपन गुणांकों को लेंगे, एक्स के गुणांकों को, वाई के गुणांकों को और अचर पद के गुणांकों का अनुपात लेंगे, संबंध लेंगे,
यदि तीनों का अनुपात बराबर आता है तो समीकरण संगत, और यदि तीनों का अनुपात बराबर नहीं आता है तब भी समीकरण संगत, दोनों स्थितियों में समीकरण संगत आ रहा है। तो जब अनुपात बराबर आए तब जो समीकरण संगत होगा उसके अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, और ग्राफ ये हल होगा इसका समपाती रेखाएं होंगी, ऐसा डायग्राम बनेगा। जब तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है, या फर्स्ट दो बराबर नहीं है, तीसरा बराबर हो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट दो बराबर नहीं है इसका मतलब तीनों ही बराबर नहीं होंगे, इस ऐसी स्थिति में तो इसके लिए भी समीकरण संगत और इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जब एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात बराबर और अचर पद का जो अनुपात है वो इनके बराबर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में समीकरण असंगत समीकरण होगा, और असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होगा तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और कभी नहीं काटेंगी, इसका मतलब कि ये समांतर रेखाएं होंगी। तो सवाल इस प्रकार से होंगे, जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्नावली में आपको प्रश्नावली 4.1 है, उसमें पहला ही समय अपन लेते हैं सवाल, ये टेबल आपको याद रखनी है, प्रश्नावली 4.1 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अनुपातों A1A2 B1B2 C1C2 की तुलना करके बताइए कि ये समीकरण युग्म संगत है या नहीं। तो इसका पहला पार्ट लेता हूं मैं, आपको बता रहा समझा रहा हूं, बहुत ही आसान है, एक बार समझने से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये इसका पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है 4x-6y = 9। अब ये सवाल दे दिया, दो समीकरण दे दिए, सरल समीकरण दे रखे, रैखिक समीकरण है, और कहा गया कि याद कीजिए कि इनके जो इनकी हलों की प्रकृति है वो कैसी है, मतलब संगत है या असंगत है, और इसका हल किस प्रकार का है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, तो व्यापक रूप में लिखने के लिए बराबर में अपने को जीरो लगाना है, इधर जो संख्या है उसको पक्षांतरण करके इधर लाना है, तो बराबर जीरो, ये तो हो गया पहला समीकरण। और इसका पक्षांतरण करेंगे अपन, तो ये यही लिख लेता हूँ मैं, 4x-6y-9 = 0, समीकरण नंबर 2। A1 B1 C1, A2 B2 और C2, राइट पक्ष में जीरो है ही, तो इसको पहले हम अगर व्यापक रूप नहीं है तो पहले समीकरण को व्यापक रूप में लिखना, उसके बाद हमें इसकी तुलना करनी है। तो पहले इसको एक बार दोबारा देख ले, ये अपनी टेबल आपको अगर याद हो गई, ये तो है अनुपात, ये तो क्या है, अनुपात है, और ये हलों की प्रकृति है, ये हलों की क्या है, प्रकृति, कि भाई समीकरण संगत है या असंगत है वो हम अपने इनसे चेक करेंगे, और ये है इसके हल। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसको एक बार देख करके समझ करके बनाए, एक बार फिर एक बार बिना देखे बनाए, फिर मिलान करें कि अपनी सही बनी कि नहीं बनी, एक बार या दो बार आप इसको बिना देखे लिख करके अभ्यास कर लो, ये कभी नहीं भूलोगे। वैसे 9th कक्षा में भी ये थोड़ी बहुत थी, समझाई थी आपने, तो अब हमें अगर ये ध्यान में है, ये याद है, तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब देखिए हलों की प्रकृति के लिए सवाल दे दिया, बहुत ही आसान सवाल है, और A1 हम यहाँ अनुपात निकालेंगे, A1/A2 = A1 तो 2 है और A2 4 है, सरलतम रूप में लेना काट करके, भाई अगर कट रहा है तो काटना, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। B1/B2 = B1 आ रहा है -3, चिन्ह सहित लेना, और ये आ रहा है -6, काटने पर -- कैंसिल, और ये भी 1 और 2 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा। C1/C2 = आ रहा है -8/-9, यानी कि 8/9। अब देखो प्रथम दो तो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, यानी कि स्थिति नंबर कौन सी आ रही है, 3 आ गई इसमें। अभी आपको बताया था अगर ये तीनों बराबर हैं तो समीकरण संगत, तीनों बराबर नहीं हैं तब भी संगत, प्रथम दो बराबर हैं
और तीसरा इनके बराबर नहीं है तब समीकरण क्या होगा? असंगत। तो ये कौन सी स्थिति आ गई अपने? ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू के और बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के। दो बराबर आ रहे हैं, तीसरा बराबर नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे इसलिए समीकरण निकाय असंगत है। कैसा समीकरण है? असंगत है, यानी असंगत समीकरण है। अब असंगत समीकरण का हल कैसा होता है? जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में समांतर रेखाएं बनेंगी। अगर अपन इसका ग्राफ बनाना चाहें इन दोनों समीकरणों का तो कैसा होगा? समांतर रेखाएं होंगी। तो बहुत आसान है, आप पहले जो सवाल दिए जाते हैं, समीकरण दिए हुए हों, उनको व्यापक रूप में लिखें, फिर ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू का मान निकाल लें। अगर तीनों बराबर आए तो संगत अनंत हल, तीनों बराबर नहीं आए, जैसे मान लीजिए यहाँ आ जाता तीन आ जाता तो अब तीनों ही बराबर नहीं है, तो बी समीकरण संगत है लेकिन अद्वितीय, अर्थात केवल एक हल। और अगर ऐसी स्थिति आ रही है कि भाई प्रथम दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तब समीकरण असंगत, जिसका कोई हल नहीं। तो अब अभ्यास के लिए मैं आपको दो तीन सवाल दे देता हूँ, करेंगे आप? समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक ही उदाहरण से, बहुत ही सरल उदाहरण है और सारे ऐसे ही हैं एक जैसे ही, वो टेबल आपको याद रखनी है बस। और वो टेबल बहुत आसान है, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू अगर बराबर हैं, यदि बराबर हैं तो समीकरण संगत, यदि बराबर नहीं है तो भी संगत। और ये आपको पहले का ही सेकेंड सवाल आपको करना है, नोट करें एक बार, 3x माइनस वाई इक्वल टू टू, और दूसरा समीकरण है इसका 6x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर। एक और देख लें, थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट, 2x माइनस टू वाई इक्वल टू टू और 4x माइनस फोर वाई इक्वल टू फाइव। इसमें आपको बताना है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत, तो उसके लिए पहले इसको व्यापक रूप में लिखना और a1 a2 b1 b2 c1 c2 से ज्ञात कर सकेंगे। थैंक यू।